अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आपके सामने मौजूद है सुपर एशिया का छोटा इलेक्ट्रिक गीज़र, जिसको हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी बॉडी ओपन करेंगे, ये वाटर हीट नहीं कर रहा। ओपन करने का तरीकाकार ये है कि ये इसका टॉप फ्रंट ये साइड से आप फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से इसको पुश करके आप ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। इसमें ये लॉक्स हैं, चारों साइडों पर आप देखेंगे आपको लॉक्स मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको ओपन किया और इसका जो सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो यहाँ पर है, ठीक है। दूसरी साइड पर नीचे तो इनपुट और आउटपुट वाटर है, ठीक है, और छोटी बिल्कुल एक टैंकी कह लेंगे, टैंक है इसमें। और यहाँ पर प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि ये ऑन नहीं हो रहा, वाटर हीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। इसमें एक तो थर्मोस्टेट का भी फॉल्ट हो सकता है और इसका जो हीटर है उसका भी फॉल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसका जो कॉइल है यानी कि हीटर है वो ही चेक करेंगे। ये दोनों थिम्बल जो मैंने उतारे हैं, रिमूव किए हैं, प्लस माइनस इसमें लाइन और न्यूट्रल, ये सीरीज़ से हम चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखें ये जो है बिल्कुल ओके बता रहा है, जो एलिमेंट है इसका बिल्कुल ठीक है और बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं है। ये बॉडी के साथ मैं टच कर रहा हूँ पहले, और ये मैंने बॉडी के साथ लगाया एक साइड, दूसरी साइड से भी चेक किया। तो मतलब ये एलिमेंट जो है इसका वाटर हीट करने वाला जो इसमें कॉइल है वो बिल्कुल ठीक है, एलिमेंट बिल्कुल ओके है, वो तो हमें पता चल गया। अब हम इसमें आगे चेक करेंगे, ये मैं इसकी वायर चेक कर लेता हूँ कि इसकी वायर ठीक है। न्यूट्रल बिल्कुल ठीक है, ब्लू वाली वायर अपनी यानी कि ठीक है। कई बार होता है कि अंदर से ओवरहीट होकर मतलब ख़राब हो जाती है, जल जाती है, तो हम अपनी मेन सप्लाई वाली वायर जो है वो भी चेक कर लेंगे। अब लाइन भी चेक कर लेते हैं, ब्रोन वायर भी बिल्कुल ठीक है। आपने देखा कि लाइट ऑन हुई थी, जो हम सीरीज से चेक कर रहे हैं, यहाँ कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, हमने अभी ये आउटपुट यानी कि जो एलिमेंट को कनेक्ट थी वहाँ पर चेक किया, वहाँ पर लाइट ऑन नहीं हुई। तो हम थर्मोस्टेट को चेक करेंगे क्योंकि अभी थर्मोस्टेट पर भी डाउट है। थर्मोस्टेट से कनेक्ट होकर पॉइंट आ रहा है जो कि एलिमेंट को कनेक्ट है, और वहाँ पर कंटिन्यू सर्किट नहीं दिया जो कि देना चाहिए था ताकि 220 वोल्टेज इसको मिले और ये ऑन हो जाए। यहाँ पर इसके दो ही पॉइंट हैं, एक इनपुट है और एक आउटपुट है, ठीक है। तो हम इसको अब चेक करेंगे, एक साइड पर हम लगा लेंगे इनपुट और दूसरी साइड पर आउटपुट, मतलब इसको अब आपस में कंटिन्यू सर्किट जो है वो बनाना चाहिए, लाइट ऑन होनी चाहिए। देखें, लाइट ऑन हुई, हमने स्विच उतार लिया और यहाँ पर लाइट ऑन हुई, इसका मतलब कि ये थर्मोस्टेट भी बिल्कुल ठीक है, अपना सर्किट दे रही है। अब थर्मोस्टेट से भी पीछे अगर आए तो ये वापस मैं एलिमेंट के कनेक्शन हम कर देते हैं, ये एक और दूसरा पॉइंट भी कर दिया, और यहाँ पर ये आपको क्लियर कर दें कि इससे पीछे आए तो फिर ये एक ओवरलोड आ जाती है, ठीक है। थर्मल ओवरलोड है ये, और थर्मल ओवरलोड टू स्टेप वाली है यानी कि दो पॉइंट वाली है, चार पॉइंट है टोटल, लेकिन मतलब कि इसमें लाइन भी क्रॉस हो रही है और न्यूट्रल भी। बाज़ आपने देखी होगी कि जिसमें सिर्फ एक ही थर्मोस्टेट एक ही होती है और उसमें सिर्फ लाइन ही क्रॉस हो रही होती है, इसमें लाइन और न्यूट्रल दोनों क्रॉस हो रही हैं, इनपुट और आउटपुट निकल रही हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो सेंटर वाला ये वाइट बटन है जिसको मैं पुश कर रहा हूँ, तो ये ऑन हो रहा है, लाइट हमारी ऑन हो रही है, मतलब कि पुश करने से ये चल रहा है, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। इसको पुश करने से ये चलता है, और ये देखें, इसको पुश किया तो ये ऑन हुआ, जब ये हम इसको छोड़ देते हैं तो ये ऑफ़ हो जाता है। अभी कुछ ही देर बाद मतलब लोड जैसे ही पड़ता है इस पर तो ये ऑफ़ हो जाता है। थर्मोस्टेट यानी कि इसका भी प्रॉब्लम, थर्मल जो ओवरलोड है, सॉरी थर्मोस्टेट तो इसका बिल्कुल ठीक था, ओवरलोड जो है प्रॉब्लम हमें ओवरलोड में अभी आ रही है। ओवरलोड इसका जो है, आप हम अभी तो इसको टेस्ट कर रहे हैं इसके बिल्कुल सीरीज सर्किट से, अभी मैं आपको दूसरे तरीके से भी चेक करवाता हूं, जो कि इसकी अपनी वायर है 220 वोल्ट, ठीक है। ये इसकी जो मेन वायर है
इस गीज़र की, वो हम लगाते हैं डायरेक्ट, और साथ अम्पेयर चेक करेंगे। ये देखें, ये मैंने लगाया और हमने लगाया और अम्पेयर ऊपर 7-8 अम्पेयर गए, और अभी दोबारा ट्राई करते हैं। ये देखें ऊपर गए, लेकिन अभी फिर से नीचे आ जाते हैं, फौरी ट्रिप हो जाता है, ऑफ हो जाता है। और ये सेंटर वाला जो बटन है, इसको जैसे ही हम पुश करते हैं तो ये रीसेट की तरह ही, आप इसको कह लें, पुश करने से ये ऑन हो जाता है, और लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। पुश करें तो ऑन हो जाता है लेकिन नहीं ऑन हो रहा। और नॉर्मल पोजीशन पर अगर हम इसको चेक करें तो इसको कंटिन्यू सर्किट देना चाहिए, यानी कि जो ब्लू वायर है वहाँ पर अगर हम मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर रख कर वहाँ से दूसरी आगे वाली ब्लू जो लाइन है उस पर लगाएं तो कंटिन्यू देनी चाहिए, और इसी तरह जो ब्राउन है उसको भी ऐसे ही चेक करना है और कंटिन्यू देनी चाहिए नॉर्मल हालत में, क्योंकि अभी इसमें वाटर हीट तो हुआ नहीं, जो कि ट्रिप हुआ हो तो कंटिन्यू ना दें, तो इसको नॉर्मल हालत में कंटिन्यू देना चाहिए। लेकिन हम सीरियस से चेक कर रहे हैं, ये कंटिन्यू नहीं दे रहा, मतलब ऑन नहीं हो रहा। अभी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, फिर ये देखें अभी ये नॉर्मल हालत में है तो ये ऑन ही नहीं हो रहा। अभी ये खुद ब खुद ऑन हुआ और अभी खुद ब खुद ये लें, ये देखें आपके सामने ऑफ हो गया। तो प्रॉब्लम क्या रही है कि ओवर लोड जो है वो ख़राब हो चुका है, ओवर लोड पे जाके जो है वो फौरी ट्रिप हो रहा है, और जैसे हम उसको अभी मैंने ऑन किया था उसको बटन को पुश करके ऑन हुआ था, अम्पेयर ऊपर गए तो जैसे ही बटन को हमने छोड़ दिया तो वो वापस ऑफ हो गया। जस्ट ओवरलोड के ये मेन वायर्स हैं जो अभी मैं उतार रहा हूँ, ये इनपुट थी इस तरफ और दूसरी तरफ से दूसरी जो पॉइंट हैं 4-2 वो आउटपुट हैं। तो मतलब वेरी सिंपल, इसमें कोई मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है। जस्ट अब ये दो स्क्रू हम ओपन कर लेंगे, एक इस साइड पर है एक दूसरी साइड पर, ये स्क्रू ओपन कर लेंगे और सेम यही वैल्यू का हम थर्मोस्टेट लेंगे। वैल्यू इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर लिखा भी होता है, मेंशन किया होता है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ट्रिप करेगा, मैक्सिमम अराउंड 100 पर भी होते हैं तो कुछ ऊपर नीचे जितने भी हो इसके ऊपर लिखा होता है। तो आप सेम वैल्यू का लगाएंगे तो ये प्रॉपरली ये वर्क करेगा। तो बस आपको ये एक नया परचेज़ करना है, ओके। इसके ऊपर ना कार्बन भी आ चुका है इसकी नीचे वाली साइड पर दूसरी तरफ, तो काफ़ी यानी कि इस तरफ से तो नीट है, दूसरी तरफ से काफ़ी डैमेज हो चुका है। तो ये असल में न्यूट्रल और फेस दोनों को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल हमारे थर्मोस्टेट जो ये ओवरलोड होते हैं ये सिंपल होते हैं, एक सिर्फ लाइन ही क्रॉस कर रहे होते हैं। यहाँ पर लगा था, जस्ट आपने स्क्रू आपने इसमें लगा लेना है, मतलब फिटिंग आपने कर लेनी है इसकी, उतार लिया है, कनेक्शन करने हैं, फिटिंग कर देनी है। तो बहुत ही इजी है, कनेक्शन इनपुट करेंगे और ये इस साइड से ये वाले जो दो पॉइंट है ये दो 220 वोल्टेज एक तरफ इनपुट कर देंगे और दूसरी तरफ से ये है आउटपुट, ठीक है, ये है आउटपुट और दूसरी तरफ से, तो ये टोटली हमारे कनेक्शन हो जाएंगे। यहाँ से ये ब्राउन वाली वायर जो है इसमें जा रही है थर्मोस्टेट में, और थर्मोस्टेट से आउट होकर एक हमारे एलिमेंट में इन हो रही है, क्योंकि थर्मोस्टेट ने भी कंट्रोल करना होता है, थर्मोस्टेट से हम इसकी हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ओवर हीट होने पर ये जो है हमारा जो भी जो ओवरलोड है जो अभी ख़राब है वो काम करती है। तो आई होप के आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और इस तरह की इलेक्ट्रिक गीज़र जो है इससे साइज़ में बड़े भी होते हैं, ये छोटा था, इससे बड़े भी होते हैं, गोल्ड टैंक वाले भी होते हैं, तो इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं होता, रॉड वाले भी होते हैं, तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ईजी है। जस्ट इसका सर्किट आपको वायरिंग समझ आनी चाहिए, तो इसमें जस्ट एलिमेंट ओवरलोड और थर्मोस्टेट है और जस्ट एक छोटी सी पीसीबी है जिसमें लाइट, यहाँ फिर कुछ जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं उनमें उसका टेम्परेचर भी शो हो रहा होता है, वो है सेंसर वगैरह, तो और इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।